पंजाब की फलों की टोकरी के नाम से मशहूर फाजिलका जिले के किसान अब जामुन की खेती में भी आगे आ रहे हैं। फाजिलका जिले की मंडी अरनीवाला शेख सुभान के आसपास के गांवों में जामुन की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। किसानों द्वारा जामुन के मंडीकरण के लिए अनूठी मंडी भी लगाई जा रही है। दोस्तों, आज हम फाजिलका जिले में जामुन की खेती के बारे में बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फाजिलका जिले के किसानों के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। चलो अब शुरू करते हैं। फाजिलका जिले के गांव अरनीवाला, पन्नीवाला फत्ता, मूलियावाली, मोला और आसपास के गांवों के किसानों द्वारा जामुन की खेती की जा रही है। अभी तक किसानों द्वारा खेत और रास्तों के किनारों पर ही जामुन के पेड़ लगाए गए हैं। जामुन का पेड़ फल देने में 6 से 7 वर्ष का समय लेता है। धान की खेती वाले इस क्षेत्र में जामुन के साथ दूसरी फसल लेना संभव नहीं हो पाता। किसान जामुन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं। पिंड पन्नी वाला फत्ता, तोरनी वाला, मूलियां वाली, टिप्पां वाली काफ़ी एरिए लग्या हुआ है जी, तो हज़ारा ही बूटे है। साढ़े को करीब 125 प्लांट हैगा जी। तो सानू मंडीकरण की समस्या आँदी सी, हुण पन्नी वाले मंडी चल गई है तो ठीक है जी, हौली हौली वध जाएगा काम। होर पहला मंडी नहीं होंदी जिहड़ी सानू दूर लैके जानी पैंदी सी, तो क्रेट वगैरह साढ़े कोल नहीं है। अगर गवर्नमेंट सानू क्रेट देगी तो असं क्रेट भी सानू चाहिए ने। पौड़ियाँ सानू बहुत औखियां दूरों लैके आनिया पैंदियां, नेड़े तेड़े पौड़ी नहीं मिलती। कोई बठिंडे तो लैके आता पौड़ी, कोई राजस्थान तो लैके आते हैं। भी खेतों के खालों सड़कों उत्थे लगिया हुई, मतलब बाग तरह खेत के नहीं लगिया हुई, बहुत घट किसी एक दो घर ने लाइया हजे नवी नवी। तो कुछ 40-40 साल, 50-50 साल पुराने दरख्त भी खड़े जी, उन्होंने थल्यों ही सारिया ये लिया लिया के लोगों ने अगर ट्रांसप्लांट की हुई। जंगल जी इंटरक्रॉपिंग औखी है, झोने का एरिया नरमा हों, झोना ए नहीं हो सकता। कणक बीजा कणक हथ ना वढ़नी पेगी, हथ ना क्ढनी पेगी जी, तो वह बहुत मुश्किल है, खर्चे वाला काम है जी। ਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 6-7 ਸਾਲ ਫਸਲ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਮੁਨ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਲ ਜਾਮੁਨ ਮੰਡੀ ਮੇ ਲਾ ਕਰ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇ ਵੇਚਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਮੁਨ ਕਾ ਅਧਿਕਤਮ ਮੁੱਲੇ 60 ਰੁਪਏ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਥਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਜਾਮੁਨ ਮੰਡੀ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਨਾਸੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੈ 1989। 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਪਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਮੰਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਕੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ 80,000 ਦੀ, ਕੋਈ 4,200 ਦੀ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵਿਕੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਇੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿ ਜਾਮਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਾਮਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਘੱਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸੰਮੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਮਣ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 400-500 ਏਕੜ। ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਮਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ, 45 ਰੁਪਏ, 55 ਰੁਪਏ, ਪਹਿਲਾਂ 63 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਰੇਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਮਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ। पन्नी वाला की जामुन मंडी में दूर दराज के राज्यों से व्यापारी खरीदारी के लिए आते हैं। मंडी के संबंध में व्यापारियों के अलग अलग अनुभव हैं। पहले गुजरात का चलता है, गुजरात काम करते हैं, फिर उसके बाद पुष्कर का चलता है, राजस्थान का वो करते हैं, वो खत्म होने के बाद यहाँ पंजाब आते हैं, पंजाब का भी खत्म होने वाला है 1-2 दिन का हो गया हमको, 10-12 दिन हो गए। ठीक माल ये समझ लो 15-16 क्विंटल डेली ले जाते हैं। सीजन बढ़िया रहा, रेट ये चल रही है 30-35। मेरा नाम कृष्ण पाल है, आगरा से हूँ, व्यापार के लिए आए थे यहाँ से, जामुन करते हैं तो दिल्ली में रेट रहता है उसी रेट रहता है, यही भी जिस रेट में दिल्ली में रहता है उसी रेट यहाँ रहता है, अगर दिल्ली में ऊपर जाता है तो यहाँ देते नहीं है लोग, समझ रहे हो ना। यहाँ से करना धंधा शुरू किया हमने करने का, तो यहाँ से माल लेके जाते भर के, वहाँ जाके बिकता ही नहीं है सही भाव से, अगर सही भाव से दिल्ली में बिकता है तो यहाँ लोग नहीं देते हैं। सब चालाक हैं यहाँ लोग, यहाँ भी है
यहाँ सस्ता दिखता है तो सीधा दिल्ली भेज देते हैं। यहाँ से दिल्ली में सस्ता रहता है तो यहीं के लिए लाते हैं, यहाँ पूरी चलती है यहाँ भेज देते हैं भाव से, अच्छे भाव से यहीं से देखे चले जाते हैं। अपन यहाँ से गाड़ी भरते हैं, लाख रुपये की गाड़ी भरी यहाँ से, भाड़ा लगता है वहाँ जाके पैसे टूट जाते हैं। 1 लाख रुपये की भरी वहाँ से 90,000 वापस आते हैं, क्या सिस्टम बन जाता है। और ये तो जुआ बन गया है, एक बार खेला पैसे तो निकालने पड़ेंगे ना इसमें से। जाते रहते हैं जाते रहते हैं जाते रहते जा ही रहे, अभी तक आया तो कुछ नहीं है। गाड़ी भेजती है करीब करीब 10-12 गाड़ी भेजी यहाँ से। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।